Recording. Good evening, everyone. Okay. So in this chapter, we have discussed in the last lecture, we have discussed type of reaction, right? Type of chemical reaction. इसमें type of chemical reaction में कौन कौन सी reaction थी? Number एक combination reaction, right? Yes. Number second decomposition. Number third displacement. Number fourth double displacement. And number fifth redox reaction. Okay. सो आई थिंक हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया था, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन डिस्कस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे. ओके, रेडॉक्स में हमने देखा था, आई थिंक वी हैव डिस्कस द पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन डिस्कस हुआ. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिडक्शन डिस्कस हुआ. यस, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मींस gain of oxygen, lose of hydrogen. Okay. Oxygen means gain of oxygen and lose of या loss of क्या होता है? Hydrogen or electrons. And reduction means loss of oxygen or gain of hydrogen. Okay. यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है बेटा, इसको भी याद रखो. ओके, तो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ. लेट मी. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो डेफिनेशन थी दैट इज ओल्ड डेफिनेशन. ओके, क्या बोलेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन. ओके, जो इलेक्ट्रॉन वाले डेफिनेशन है इसको बोलेंगे मॉडर्न और न्यू डेफिनेशन. इसको आपको बस याद कर लेना, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट? अगर कभी पूछे आपकी मॉडर्न डेफिनेशन बताओगे तो आप इलेक्ट्रॉन के बेस्ड पर थी बोलोगे. इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. मॉडर्न डेफिनेशन में क्या आएगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, और विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, या कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ट्रांसफर का बात करेंगे, तब वहां पर क्या बोलेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन, राइट? क्लियर है? यहां तक समझ में आया था? Yes, sir. Okay. इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे. सुना, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन आप डिफाइन कर पाओगे? ऑक्सीडेशन क्या चीज है? ये ऑक्सीडेशन तो डिफाइन कर लोगे. ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर पाओगे? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? एनीबॉडी? ऑक्सीडेशन नंबर इट इज नथिंग बट एंड दैट इज डिफाइन, किससे डिफाइन करते हैं? एज द चार्ज. और चार्ज कैसा हो सकता है? चार्ज में भी रियल और इमेजिनरी. Did you understand what is the real or imaginary charge? Idea है? चलो मैं बताता हूं. Which an atom appears appears to have
when it is in chemical formation. It is in कॉम्बिनेशन, राइट। अभी देखो इसे मैंने क्या क्या बोला है आपको एक एक बात समझाता हूँ, पहले आप ध्यान से सुनो। जैसे आपने बोलो, मैं बोलता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रियल चार्ज की बात करते हैं हम लोग। डिड यू नो द आयनिक आयनिक कंपाउंड्स जानते हो बेटा? आयनिक कंपाउंड्स कौन सा होता है? NaCl आयनिक कंपाउंड है ना? यस और नो? टेल मी। NaCl आपका Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? यस सर। करता है ना? दैट मींस ये दोनों पार्टिकल्स आपसे अलग अलग हो गए और इसमें आपका जो बीच में बॉन्ड है इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। सो दैट मींस इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का एक चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है? माइनस वन। यही है ना चार्ज? तो वी कैन से दैट जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये इसका प्लस वन होगा और इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? माइनस वन होगा। समझे बेटा? समझे कि नहीं? अभी आप इधर से देखो, अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड आ जाते हैं आपके, ये आपके क्या करते हैं बेटा? इमेजिनरी चार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा इमेजिनरी चार्ज होता है, ये आपको फील करना पड़ता है, आपको दिखता नहीं है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ HCl, तो आप जानते हो HCl को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, एच सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? राइट। यहाँ इसका मीनिंग ये रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट ना? ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका किसका है? हाइड्रोजन का है, ओके। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो या नहीं आते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलो, डिड यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस और नो? नो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आते? मैंने आपका पीरियोडिक टेबल में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं जानते हो? चलो बताता हूँ, यहाँ पर नोट करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Tendency to attract electron. Electronegativity क्या है बेटा? Tendency to attract the electron. Tendency समझते हो? अभी समझे ना electronegativity क्या है? तो सबसे ज्यादा electronegativity किसकी होती है? अभी यहाँ पर आप समझो, सबसे ज्यादा electronegativity होती है आपकी फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीटी का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल, वेरी गुड, ओके। सो सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन होता है, ओके। अभी फ्लोरीन से अगर नीचे जाओगे तो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, अगर फ्लोरीन से आप इस तरफ जाओगे तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर उससे कम आपकी होती है ऑक्सीजन की, फिर उससे कम होती है आपकी नाइट्रोजन की, फिर उससे कम आती है आपकी सीएल की,
तो आपका ये ऑर्डर हो गया, समझ गए? क्लियर है? यस सर। आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी आए तो आपको फोन याद रखना है। फोन, फोन का मतलब क्या है? एप्स हो गया फ्लोरीन, ओस हो गया ऑक्सीजन, एनस हो गया नाइट्रोजन। क्लियर है? तो और फिर और भी ऑर्डर होता है, बट उतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको याद करने को। ओके, बट इतना ही जरूरत है आपको याद करने। इसका मीनिंग ये है कि अगर कहीं पर ये कंपाउंड आपके कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, इसका मतलब वो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी है इनकी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना। तो इसका मीनिंग ये है, सपोज आप दो लोग हो, इस तरीके से दो लोग अपने कभी एक गेम खेला ना, रस्सा रस्सी वाला, रस्सी पकड़ के गेम खेलते थे, खेला कभी गेम या नहीं खेला? ओके, तो यहाँ पर रस्सी किस कौन खींचता था, जिसके पास ताकत ज्यादा होती वो रस्सी खींच के ले जाता था ना। ओके, तो सेम केस यहाँ पर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप अभी बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? क्लोरीन की तरफ। यस, तो आपका ये बॉन्ड है, ये क्लोरीन शिफ्ट हो जाएंगे, चले नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट क्लोरीन के पास आ गए, दिख रहे ना। चलो मैं इसको इस तरीके से कर दूं, स्टार बना दूं, समझ गए? यस सर। ओके, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं है बेटा, शेयरिंग में है, बट किसके तरफ ज्यादा है शेयरिंग में? क्लोरीन के साइड। कंसीडर। ओके, तो इसका मीनिंग ये है, अभी आप समझो कि क्लोरीन ने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो वी कैन से दैट इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग पार्शियल नेगेटिव बोलेंगे। इस साइन का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, समझे? डेल्टा साइन है, इसका मीनिंग होता है डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। डेल्टा मीनिंग ये बोलेंगे हम लोग, लेट्स से 100 में से आपका 2-3% और वी कैन से 10% तक, मैक्सिमम 10% तक अपने तरफ इसने खींच लिया, समझ गए? इसे डेल्टा साइन का मतलब ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने साइड को अट्रैक्ट किया, राइट? तो इसके ऊपर क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। बट ये साइन आपको दिखते नहीं है, ये जो डेल्टा में साइन लिखे ना, ये साइन आपको दिखता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इमेजिनरी चार्ज बोलेंगे, समझ गए बेटा? अभी क्लियर है? तो इसके ऊपर कितना चार्ज है पॉजिटिव का? +1। इसके ऊपर कितना चार्ज है नेगेटिव का? -1। तो वी कैन से ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ गए बेटा? क्लियर है? Yes, sir. चलो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको अभी समझाने के लिए। ओके, नाउ अभी देखो, रूल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर देखो, रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ एवरीवन लिसन, यहां पर मैंने लिखा रूल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब क्या बेटा? ON का मीनिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो, ये सारी चीजें एक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट है। मीनिंग क्या है सबका? सेम। ओके, क्लियर है ना? यस सर। ओके चलो, यस सर।
जल्दी से ओके ओके बोलते जाओ, समझते जाओ, नहीं तो सीट नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग. ओके okay? तो यहाँ पर रूल नंबर वन है. सबसे पहले रूल नंबर वन आप देखो, रूल नंबर वन है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम फ्री स्टेट इज जीरो. फ्री स्टेट का मतलब क्या है? चलो आप फ्री स्टेट का मतलब सोचो कि आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम, तो सोडियम आपका अलग फ्री स्टेट में है ना एटम, किसी के साथ बॉन्ड तो नहीं बना है सोडियम, किसी के साथ बॉन्ड है क्या सोडियम? नो. Fe लिखा, किसी के साथ बॉन्ड है? नो. तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो. जब किसी के साथ बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोडियम का हमेशा जीरो होगा. अगर अकेला सोडियम बैठा तो जीरो होगा, या अकेला कोई भी एटम बैठा हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो. क्लियर है? यस सर. पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ, एफ क्या है? फ्लोरीन. फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज माइनस वन. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? माइनस वन. माइनस वन क्यों होती है? एज इट इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियडिक टेबल, राइट? समझ गए? पहले पॉइंट समझ लो, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं सारी चीज. पॉइंट नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंपाउंड माइनस. ये आपका नॉर्मल केस में होता है, परऑक्साइड में आपका होता है माइनस वन. देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पॉइंट समझो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा? नॉर्मली आपके ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होती है, एक्सेप्ट अगर परऑक्साइड हुआ तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगी. किसकी होगी? ऑक्सीजन की. अगर वो कंपाउंड आपका सुपर ऑक्साइड हुआ
तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपकी माइनस हाफ होगी। अगर वो कंपाउंड में आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एग्जांपल ये हो सकता है और ये हो सकता है, तब वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगी और माइनस सॉरी प्लस टू होगी, प्लस टू होगी और प्लस वन होगी। समझे मेरी बात? समझे? अभी देखो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब आप पूरे 7 रूल समझ में आ जाओगे। ओके, रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 5। जरा सा ऊपर लीजिए, सॉरी स्क्रोल अप साइड। क्या बोले बेटा? स्क्रोल अप साइड। 1 2 3 4 रूल नंबर 5 क्या बोल रहे हो? ओके सर, पहले मैं आपको रूल लिख दूं सारे, इज इक्वल टू प्लस वन पॉइंट नंबर 6। The sum of oxidation number of all atoms present in species in a species. Is equal to net charge on the पॉइंट नंबर 7। ओके, आप एक बार ये रूल देखो, पॉइंट नंबर 3 4 5 रूल देखो, दो मिनट के लिए आता हूँ। यस बोलो बेटा। हेलो अरे माझा क्लास चालू असताना कसं काय केलं सगळं काम आठवत?
ओके यस तो रूल नंबर टू तक समझ में आया था आप लोगों को? हेलो टेल मी डिड यू अंडरस्टैंड टिल द रूल नंबर टू? यस सर। ओके रूल नंबर थ्री देखो, रूल नंबर थ्री का मीनिंग ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस मैं बोल रहा हूँ किसी भी ऑक्सीजन कंपाउंड के बारे में, ओके सॉरी ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में या ऑक्सीजन एटम के बारे में, ओके उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी माइनस टू होगी नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में, ओके अगर वो कंपाउंड आपका परोक्साइड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? माइनस टू। इफ दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड इज सुपर ऑक्साइड दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? माइनस हाफ, वन बाई टू माइनस में, ओके अभी समझ लो मैं बताता हूँ। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन का कोई भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड आ गया तो उसके दो एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? एक ये वाला कंपाउंड, एक ये वाला कंपाउंड, तो ये दोनों आप याद कर लो। अगर ओ टू एफ टू है तो इस केस में आपकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, अगर ओ एफ टू है तो इस केस में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो जाएगी। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इस ऑक्सीजन की है बेटा, समझ गए मेरी बात? क्लियर है? नाउ अभी देखो द ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए, ये आपका हाइड्रोजन परोक्साइड का एग्जाम्पल है, नेम में आपका परोक्साइड होगा तो दैट मीन्स वहां पर एक परोक्साइड बॉन्ड है, ओके या परोक्साइड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन में आपका माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आपका माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है राइट, और यहाँ पर आपका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आपका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां तक समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? ओके ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल आपका बोलता है द ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंने बोला आपका फॉर एग्जांपल H2SO4 है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी होगी बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कितना होगा? माइनस वन, माइनस टू, जीरो, कितना होगा? अरे आप नॉर्मली तो आपका माइनस टू होता है ना बेटा, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अगर आपको नहीं समझ में आया तो माइनस टू तो रखना ही है ना आपको, समझ गया कि नहीं? H2O लिखा हुआ, क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। ओके तो अगर मैं बोलूं आपसे H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? हेलो आर यू स्टिल ब्रेकिंग? हेलो एम आई ऑडिबल? हेलो यस, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या नहीं? यस सर। यस सर। Is my voice breaking or not? The voice अभी break हो रही है मेरी। Hello, listen. I think अब नहीं हो रहा होगा। Yes sir. Okay. So listen. यहाँ पर देखो अगर आपके सामने एग्जाम्पल आया H2O तो टेल मी इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग।
अभी भी ब्रेक हो रही है? हेलो माइनस टू, ओके इज इट क्लियर ना? मैंने ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन का आपका माइनस टू होने वाला। अगर मैंने पूछा आपसे H2CO3 इसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा बेटा? टेल मी। हेलो फिर से वॉइस प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर H2CO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ना मुझे। माइनस टू ही होगा नॉर्मली। आप सोचो, देखो मेरी बात सोचो, आप यहां तक देखो, पहले एक बात समझो, जो प्लस वन आपकी तभी होगी जब ये दोनों कंपाउंड है, तभी प्लस वन होगी, नहीं तो प्लस वन और प्लस टू नहीं होने वाली। अगर कभी भी प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ऑक्सीजन का, इसका मतलब ऑक्सीजन से ताकतवर इंसान वहां पर बैठा हुआ है, समझे मेरी बात? तो ऑक्सीजन से ताकतवर इंसान कौन सा है? फ्लोरीन, समझे मेरी बात कि नहीं? ओके अगर कभी फ्लोरीन है दैट मींस वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ऑक्सीजन की प्लस में आने वाली, अदरवाइज सब जगह पर माइनस आएगा। ओके बट यहाँ पर देखो तो ये तो सी पॉइंट क्लियर हुआ सबको, सी में कोई डाउट नहीं आएगा किसी को भी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी में आपका ये कंपाउंड हुआ तो यहाँ पर प्लस वन है, ये कंपाउंड हुआ तो यहाँ पर प्लस टू है, बस और खत्म, और कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, राइट ना? अभी पॉइंट चलते हैं बी पर। बी में देखो, जब भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स याद है आपको, एस ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, डिड यू नो दैट दीज एलिमेंट्स? आपने, हमने पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा ना पीटी, उससे मैंने बताया ना कि ये सारे एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, राइट? यस सर। तो जितने भी आपके, देखो यहां से पोटेशियम से नीचे के एलिमेंट है, ये क्या करते हैं बेटा? सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और कोई सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। तो या तो पोटेशियम दिख जाए आपको ऑक्सीजन के साथ तो सुपर ऑक्साइड, आर भी दिख जाए तो सुपर ऑक्साइड, सीजियम दिख जाए तो सुपर ऑक्साइड, और फ्रांसियम का कभी कंपाउंड मिलेगा नहीं बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आपको थ्री कंपाउंड है जो आपके सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, एक तो पोटेशियम वाला, एक रुबिडियम वाला, एक सीजियम वाला। यहाँ पर भी आपका फिक्स हो गया, एक तो पोटेशियम हो गया, एक आपका रुबिडियम, फिक्स हो गया ना बेटा? फिक्स हुए कि नहीं हुए? फिक्स, यस। तो ये कंपाउंड भी क्लियर, ये ऑप्शन भी क्लियर, यस बेटा बोलो। तो आपका ऑप्शन बी भी क्लियर हुआ आई थिंक, ओके? नाउ अभी जो भी डाउट आएगा आपका ऑप्शन ए में डाउट होगा। तो आपके पास कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? एक तो आपका माइनस टू बचा हुआ है और एक आपका माइनस वन बचा हुआ है, तो 90% टाइम तो आपका माइनस टू ही होता है। ये जहां पर होगा मैं आपको बता दूंगा, कहां पर आपका ये होने वाला माइनस वन है, तो वो आपको पहचानने का तरीका भी बता दूंगा कि माइनस वन होता है तो कैसे पहचानते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट की माइनस वन है या नहीं है, समझ गए? क्लियर है? तो जब भी आपको कभी भी ऑक्सीजन दिखे आपको आंख बंद करके माइनस टू रख देना है अभी, समझ गए कि नहीं? ओके चलिए, पॉइंट नंबर थ्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर कभी भी हाइड्रोजन आए और वो किसी भी कंपाउंड के साथ हो पीरियडिक टेबल में, किसी भी कंपाउंड के साथ, ऑलवेज उसका प्लस वन रखना है, एक्सेप्ट अगर वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना हुआ है तो उसका माइनस वन पुट करना, अदरवाइज। ओके हेलो हेलो, नाउ पॉइंट नंबर फोर रीड करो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इन कंपाउंड्स ऑफ इट्स ऑल कंपाउंड आपकी प्लस वन होने वाली है, समझे? अगर कभी मेटल हाइड्राइड हो, मेटल हाइड्राइड किसको बोलते हैं? अगर एस ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर इन कंपाउंड में प्लस आपका ये भी होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये इन कंपाउंड के साथ अगर एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका माइनस वन आने वाला है, अदरवाइज प्लस वन सब जगह लिखो आप। समझे मेरी बात? इज इट क्लियर? गुड, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एस ब्लॉक के एलिमेंट, चाहे वो ग्रुप वन के हो या ग्रुप टू के हो, एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ आपका क्या होने वाला है, प्लस माइनस वन होने वाला है, बाकी सबके साथ प्लस वन होने वाला है। नाउ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन सी होती है, ग्रुप वन की, ग्रुप वन की मेटल कौन कौन सी है, ये है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्रांसियम है, कितना होने वाला बेटा, प्लस वन, राइट। ग्रुप टू की मेटल कौन कौन सी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ओके। फ्रांसियम को हटा दो अभी, बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, प्लस टू, प्लस टू। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस वन, प्लस वन। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ओके, नाउ अभी देखो, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट स्पीसीज, या कोई भी स्पीसीज है, इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीसीज। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा H2SO4, क्या लिखा बेटा मैंने, H2SO4, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज है क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज है, नो नहीं है ना, इसका मतलब ये होगा बेटा, इसका मतलब आप समझो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका क्या करेंगे, टू टाइम्स करेंगे, बिकॉज टू है ना, H2 है ना, यस, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, प्लस फोर टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो। अभी आप पॉइंट्स ऊपर वाला फिर से रीड करो, आपको समझ में आएगा। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ स्पीसीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीसीज। अभी आप देखो, इस H2SO4 में एक भी चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ पर जीरो आया। अगर कोई भी एलिमेंट होता, लेट्स से मैंने बोला SO4 डबल नेगेटिव, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस फोर टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस टू। पॉइंट क्लियर, सबको समझ में आया? अगर मैंने लिखा यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस फोर टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द प्लस वन, राइट। समझ गए मेरी बात, क्लियर है? नाउ अगर कभी देखो, फॉर एग्जांपल समझो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको आइडिया है, मैंने बताया ना रूल नंबर 4 में बताया, प्लस वन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद है कितना है, माइनस टू। तो यहाँ से आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो निकाल सकते हो आप लोग, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर टू टाइम्स प्लस वन मैंने यहाँ रखा, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो सल्फर की जगह हम लोग एक्स रख दें,
फिर प्लस फोर टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। आप देखो yes. इसको यहां पर देखो टू हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ऑफ एट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स आ गया। इसका मतलब एक्स क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके नाउ यहाँ पॉइंट नंबर सिक्स से क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर सेवन देखो, अभी पॉइंट नंबर सेवन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास का नॉलेज चाहिए होगा, बट उसका जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ओके इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। कोवेलेंट बॉन्ड इंटर आप इसका मीनिंग समझो क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए ना अभी? यस सर। गुड। अभी आपके सामने लिखा हुआ है ए सिंगल बॉन्ड बी, फिर लिखा हुआ है ए डबल बॉन्ड बी, फिर है आपका ए ट्रिपल बॉन्ड बी, फिर है आपका ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम, अभी यहां पर है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाउ लेट्स एज्यूम, आप एज्यूम ये करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये हम लोग क्या करना है, एज्यूम करना, क्योंकि आपको एलिमेंट पता नहीं ना अभी, हम लोग रूल बना रहे हैं। जब आपको एक्चुअल फॉर्मूला होगा तो आपको एक्चुअल में आपको पता होगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए को मैं बोल दूं हाइड्रोजन, बी को बोल दूं सीएल, तो आप जानते हो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट? समझ गए ना? आप ए और बी में नहीं पता लगा सकते ना, तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। क्लियर है नाउ? तो अब बताओ मुझे, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? डेफिनेशन में जाओ, जहां पर मैंने HCl का एग्जाम्पल बताया था, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ज्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। याद आया कुछ? बोलो यस और नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या है बेटा? दिव्या, अर्किंस, अर्नेस, रुद्र, वेदांत, विवेक, तनोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो। इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इट हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ओके। तो B has more tendency to attract electron, that means B के ऊपर आपका negative charge आएगा। जिसने electron accept किया उसके ऊपर negative charge होता है कि नहीं होता है? आप भूल गए क्या? आपको idea होगा, हम लोग ये पढ़ते थे कि sodium ने एक electron donate किया तो sodium positive बनता था और एक electron यहाँ पर निकलता था, और chlorine ने आपका एक electron accept किया तो ये आपका Cl negative बनता था, याद है? Yes, sir. तो यहां से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। रिमूव को हम क्या लिखते हैं, लॉस लिखेंगे या लूज लिखेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन, गेन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, टेंडेंसी अपने तरफ खींचने की इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। yes,
तो वी कैन से दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आपका माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, राइट? समझे कि नहीं? अभी सारा खेल इसी रूल नंबर सेवन का ही है। अगर ये रूल नंबर आपको याद हो गया तो बाकी सिक्स रूल बहुत ही कम काम के, मतलब उनका काम तो बहुत ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट अगर सेवेंथ नंबर रूल याद हो गया तो। आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आएगा, डबल नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम बोल देंगे यहाँ पर आपका प्लस टू है और यहाँ पर आपको माइनस टू, राइट? अब आप बोलो समझ में आया? यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका प्लस थ्री है और माइनस थ्री, ये तीनों पॉइंट किसको क्लियर नहीं है पहले ये बताओ। इज ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। गुड, यस बोलो, सबको समझ में आया ना पॉइंट नंबर वन टू थ्री? ये ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ऑल ऑफ यू क्लियर? यस। गुड। नाउ अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा थी? बी का। तो बी का मतलब क्या? बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ए से, राइट? तो यहां पर इस एरो का मतलब होता है इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा, समझे? इस एरो साइन का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, समझे? आप समझ लो, जब आप हायर क्लास में आ जाओगे आपको समझा दिया जाएगा। अभी इस मतलब इस चैप्टर के लिए आप इतना समझो कि इस एरो का मतलब ये होता है कि इस बी ने ए के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लिए, तो इसका मतलब ए के ऊपर यहाँ पर प्लस टू चार्ज आएगा और बी के ऊपर माइनस टू चार्ज आएगा, समझे कि नहीं समझे? ओके, नाउ अभी सोचो इस बी को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है और वो किससे चाहिए? ए से चाहिए, और ए यहाँ पर ऑलरेडी खुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना बी से। ऐसे समझो कि मेरे सामने विवेक पाटिल है, ओके, और विवेक मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विवेक से, ओके, बट मैं ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा हूँ? विवेक को दे रहा हूँ, जबकि मुझे क्या इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहिए ना विवेक से, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। आप समझो यहाँ पर एक बंदा है और एक बंदा यहाँ पर है, ओके, ये आपका विवेक है, ये आपका रंजीत है, तो रंजीत की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा है, ओके, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, समझे? बट ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, समझे मेरी बात? इस केस में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो लिखोगे, यहाँ पर भी जीरो लिखोगे, समझिए पॉइंट कि नहीं समझे? नाउ आप अभी बताओ मुझे, अगर आपके सामने एग्जांपल है ओ डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है ना? yes. तो क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उतनी स्पीड से ये भी खींचेगा? तो इस केस में इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, मतलब इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, तो वी कैन से दैट O2 हैज ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। समझ गए मेरी बात? अगर मैंने बोला F2 का कंपाउंड कैसे बनता है? F सिंगल बॉन्ड F बनता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। बोलो, टेल मी क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट रूल नंबर टू पे जाओ। रूल नंबर टू क्या बोलता है? रूल नंबर टू सेज दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल HF आ जाता, HF कोई कंपाउंड है, या लेट से हम लोग बोलेंगे BF3 कोई कंपाउंड है, NF3 कोई कंपाउंड, मतलब कोई कंपाउंड होना चाहिए, द
तभी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगी। अगर F2 है तो इस केस में तो मैंने बताया जीरो आ जाएगी, समझ गए? क्लियर है? Yes, F2 में आपकी जीरो, O2 में आपका जीरो, O3 में भी आपका जीरो, ओके? ये याद रखे रहना बेटा। ये रूल क्लियर है? अभी कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे रूल, ओके? एग्जाम्पल है, N की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो NH3 में, फाइंड करो जल्दी से। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले क्या लिखना है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसकी जगह पे आपको X पुट करना है। ऐसे लिखो पहले तो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस थ्री टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो। इसकी जगह पर मुझे लिखना है X प्लस थ्री टाइम्स एंड प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। X इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉरी X इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस थ्री, राइट? यस सर। ओके, नाउ अभी आपको फाइंड करना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। HNO3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। CO2 में C की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। Cr2O7 में डबल नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। KMn4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। Cr2O4 में Cr2O4 डबल नेगेटिव क्रोमियम फाइंड करो। AlF3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। नेक्स्ट है आपका H2SO4 में सल्फर की फाइंड करो, जो कि ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देन C6H12O6 में आपका कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। Then Na2B4O7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। इतना फाइंड करो फिर बता। जल्दी से फटाफट फाइंड करो बेटा। सर इन फर्स्ट एग्जांपल N इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 4, G इज इक्वल टू 6। फर्स्ट एग्जांपल For which example you are talking about? HNO3. HNO3, okay. यहाँ पर oxidation state कितना है HNO3 में? Tell me. कितना है HNO3 का? Minus five. Minus five plus five. Plus five. Plus five. Very good. Okay. Now, plus five इसका आया. Sir, in second one plus four. Very good. ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऊपर लिखा करो, ओके? देन प्लस फोर, जैसे आप लोग चार्ज लिखते हो। सी आर टू ओ सेवन में
प्लस सी प्लस सी फोर में है प्लस सेवन सी आर टू फोर डबल नेगेटिव में थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स आएगा ना देखो कैसे आया प्लस सिक्स टू एक्स प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू सिर्फ जस्ट वन एक्स इज सिक्स सॉरी 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 सी आर नहीं है सी आर ओ फोर है देन एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स ओके सी आर ओ फोर ए एल एफ थ्री में प्लस थ्री ना एच टू एस ओ फोर यस प्लस सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स में इसका देख लो बेटा सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इंटू वन प्लस सिक्स इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देन सिक्स एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो आ रहा ओके और इसमें देखो टू टाइम्स प्लस वन प्लस फोर टाइम्स एक्स प्लस सेवन टाइम्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देन टू प्लस फोर एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री राइट ये जिसका आया वो सही है ओके नाउ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख गए आप यस सर ये आपका कंप्लीटली मेथड नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का एक और मेथड होता है जो हम लोग 11th क्लास में डिस्कस करेंगे ओके अभी इस चैप्टर में इतना ही काम होता है तो बस रूल यही लगते हैं बेटा ओके रूल आप ये याद कर लो सर व्हाट इफ व्हाट इज सर व्हाट इफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट इन द रिएक्शन और इक्वेशन नहीं होगा तो फिर कौन सा कंपाउंड कोई कंपाउंड होगा तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें आपके ऑक्सीडेशन नंबर आपको आइडिया होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है no. तो आप निकाल पा रहे हो ना इसे की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेवन रूल दिए हैं इन सेवन रूल से आप निकाल सकते हो कोई सा भी कंपाउंड हो दुनिया का समझे बट ये इस रूल हाँ इस रूल के कुछ लिमिटेशन है एक और सेकंड रूल होता है सेकंड रूल इसलिए होता है उसको हम लोग फिगर ड्रॉ करके निकालते हैं आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ता है फिगर ड्रॉ करके मैं हम लोग फिर कभी देखेंगे अभी हम लोग नहीं देखते अभी हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रेडॉक्स पार्ट में चलते हैं ओके क्लियर है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट में चलते हैं ओके नाउ अगर आपके सामने लिखा हुआ रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट आप एक चीज याद रख लो बेटा अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन होता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हुआ वहां पर आपका क्या होता है रिडक्शन ये चीज मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं एक सेकंड वेट करो ओके चलिए फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है आपको आइडिया होगा रिएक्शन आपको एक आइडिया होगा CuSO4 प्लस Zn के साथ रिएक्शन करके आपका
ZnSO4 plus Cu बनाता है. Is that clear all of you? Yes sir. Okay. Now अगर मैंने आपको find करने के लिए बोल दिया कि यहाँ पर आपको कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर लोगे? कैसे फाइंड करोगे? चलो मैं बताता हूँ, एक और ट्रिक आप समझ लो. कैसे कभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं होता है, आपको सल्फर का भी यहाँ पर आइडिया नहीं है और कॉपर का भी आइडिया नहीं, समझे? तब आप क्या करोगे इस कंडीशन, इस कंडीशन में आप देखो, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये SO4 अलग हो जाएगा मेरा और कॉपर अलग हो गया. Yes, SO4 को आपने कभी SO4 जैसा देखा कि आपको सिर्फ SO4 मिल जाए? हमेशा आपने SO4 डबल नेगेटिव देखा होगा. क्या ये वाला सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा सही है? नीचे वाला सही. ओके, ऑलवेज आपने SO4 डबल नेगेटिव देखा, तो ये आपका SO4 डबल नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, राइट? इसका मतलब ये डबल नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला पार्ट आपका किस में आना चाहिए? डबल पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसल आउट होकर के जीरो चार्ज करेंगे, समझे बेटा कि नहीं? यस सर. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉपर डबल पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? प्लस टू. प्लस टू, समझ गए? एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप अगर जब आपने SO4 निकाल लिया कि SO4 आपका ये वाला पार्ट है, तो SO4 डबल नेगेटिव ने आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ना, प्लस सिक्स आएगा, राइट? निकाल पाओगे ना? तो आप देखो, इस ऑक्सीजन का आपको आइडिया है माइनस टू, सल्फर का आपको आइडिया है प्लस सिक्स, तो कॉपर का निकाल लोगे आप, राइट और नॉट? तो कॉपर का निकालोगे तब भी आपका प्लस टू आएगा. तो सारे केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? प्लस टू. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आपका प्लस टू, सल्फर का ऑक्सीडेशन है आपका प्लस सिक्स, इसका ऑक्सीडेशन है आपका माइनस टू. ओके, जिंक लिखा हुआ एक आपका फ्री कंपाउंड है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? टेल मी, फ्री एटम एटॉमिक स्टेज में कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आएगा बेटा? जीरो. भूल गए क्या, रूल नंबर वन ही है ये. अगर फ्री स्टेट में कोई भी एटम हो तो उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, राइट? तो यहाँ पर आपका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. अभी आप देखो, यहाँ पर फिर से आप जिंक का निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो जैसे इसका प्लस सिक्स आया था, इसका माइनस टू आया था, तो ये भी आपका प्लस टू आएगा, और यहाँ पर सल्फर जीरो हो गया. क्लियर है? यस सर. आप अभी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो, ऑक्सीडेशन नंबर आप किसकी, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करो, चेंज हो रही है. यस. और ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आप ऑब्जर्व करो किसकी, जिंक की, चेंज हो रही है ना, राइट? यस. तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पर ये प्लस टू से जीरो में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है, जिसका मतलब क्या है बेटा? रिडक्शन. वेरी गुड. नाउ सेकंड, यहाँ पर चलो, जीरो से आपका प्लस टू में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट मींस ऑक्सीडेशन. नाउ अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन. इस रिडॉक्स, आर ई का मीनिंग होता है रिडक्शन, और इस ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन. इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन.
किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, इसका मतलब उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ गया बेटा? यस। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर? A chemical reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously are called, क्या बोलेंगे बेटा? redox reaction. Clear all of you? I think सबको समझ में आ गया होगा। Okay, तो एक्चुअली में हुआ क्या है आप और समझ लो इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। आपके सामने क्या था? CuSO4 था, ZN के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 बनाता है प्लस Cu बनाता है। ऑल ऑफ यू नो दैट ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है ना? Yes, sir. ये भी आपका सॉल्यूशन। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्वस मोड में है और ये भी आपका एक्वस मोड में है। ठीक, ये आपका यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर ये भी सॉलिड। ओके, तो जो आपका एक्वस मोड में होता है ऑलरेडी वो आपका Cu2+ पॉजिटिव में एडजस्ट करेगा और SO4- नेगेटिव में एडजस्ट करेगा, प्लस ZN आपका रहेगा ही रहेगा आपका यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर ZN आपका +2 में एडजस्ट करेगा और SO4 आपका यहाँ पर -2 में एडजस्ट करेगा, प्लस Cu आपका रहेगा ही रहेगा जिसका 0। ओके, तो आप देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में आपका कॉपर प्लस टू किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बोलो? डोनेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा ना दो इलेक्ट्रॉन, तब तो ये Cu+2 बनेगा ना। इसके ऊपर दो चार्ज पॉजिटिव के हैं, अगर मुझे बैलेंस करना है दो नेगेटिव के मैंने ऐड किया यहाँ पर बना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें क्या होता है वहां पर? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, बोलो? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, इतना जल्दी भूल गए यार आपको। यहाँ पर जिंक है, जिंक को जिंक प्लस टू में लेके जाना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग। टू इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। हेलो, आर यू स्टिल ब्रेकिंग? हेलो, नो, नाउ इट्स ओके। तो जिंक से आपका Zn+2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? जस्ट लाइक आपको सोडियम से Na+ में जाते हैं आप लोग तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे। योर वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ। ओके, तो आप यहाँ पर समझिए, ऑक्सीडेशन समझा, रिडक्शन समझा, क्लियर है? ओके, तो नाउ अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आपको घर से सॉल्व करके लाना है और बताना है कि किसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन है। ओके,
एग्जाम्पल है आपका HgCl2 SnCl2 एल्यूमिनियम प्लस ओके ये फोर एग्जांपल है जो आपको बताना है किसमें कहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है. ओके आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन प्लस टू इस तरीके से रखना है और आपको इस तरीके से एरो लगाना है कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है. तो वो आपको लिखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरीके से आपको लिखना है. समझ जाओगे, क्लियर है? yes, बोलो बोलो जल्दी से, मत जाओगे कि नहीं? हेलो क्लियर, आप समझ जाओगे कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर पाओगे या नहीं, बोलो. यस सर. Sir, will you please explain first one, then we will solve others. Okay. First one में देखो, आपको idea है इस Hg के लिए आपको oxidation number निकालना है. HgCl2 है. HgCl2 में आपके सामने HgCl2 compound लिखा. Okay. इस HgCl2 में आपको इसकी oxidation number निकालना. याद रखना बेटा. जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है ना उसी के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन करते हैं. मैंने यहाँ पर सल्फर के लिए नहीं डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए नहीं डिफाइन किया. डिफाइन किया क्या सल्फर ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज सल्फर की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर चेंज नहीं हो रही है. आप देख सकते हो यहाँ पर -6 -2 थी, यहाँ पर भी -6 -2, राइट? समझ गए? तो जिसकी चेंज नहीं होती उसके लिए कुछ नहीं करना, जिसकी चेंज होती है सिर्फ उसी के लिए डिफाइन करना होता है. ओके ना, यहाँ पर आप नॉर्मली देखो, नॉर्मल कंडीशन में आपकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है. अगर किसी के साथ कंबाइंड होता है तो आप समझ लो यहाँ पर. ओके, और इसकी -1 होगी तो एक्स प्लस 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0, ये आपका +2 आ गया, राइट? यस, क्लियर है? तो सिमिलरली आप SnCl2 में निकाल लोगे, SnCl2 में भी ये आपका +2 आ जाएगा, यस और नो? यस. नेक्स्ट है आपका Hg2Cl2 में ये आपका -1, ये भी आपका +1 आएगा, बिकॉज करके देखो आप 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -+1 आया. सिमिलरली SnCl4 में यहाँ पर आपका +4 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो नाउ आप देखो इस Sn से क्या हो रहा, चेंज हो रहा ऑक्सीडेशन या कम हो रहा, बोलो. रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन. Sn का कितना था, +2 था ना सर? +2 का +4 हो रहा है. हाँ तो +2 का इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड. सॉरी क्या बोले बेटा?
हाँ तो टू इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, या तो आप इस कंडीशन से अप्लाई करके देख लो कि आपका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आप इस तरीके से करके देख लो, ये शॉर्टकट मेथड था आपका, दोनों सेम है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला सही दिख रहा है आपको, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू से प्लस फोर में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बिकॉज ये प्लस टू में था और ये प्लस वन में आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन। नाउ एक चीज और देख लो बेटा, चीज क्या है, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसी में एक कंपाउंड ऐड कर लो, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। कंफ्यूजन है याद कर लो, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन वाले पार्ट को। लास्ट क्लास में मैंने जो बताया, मैं एक बार देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ आपका नोट्स, क्या मैंने बताया? लास्ट क्लास मैंने क्या बोला था बेटा, बोलो बोलो। Substances that help in oxidization, they are called oxidizing agents. किस कौन सा बेटा, एक बार फिर से बोलो। Substances that help in oxidization, they are called oxidizing agents. हाँ, जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ अभी। अभी आप देखो इस कंपाउंड में, देखो एग्जांपल नंबर वन में, ओके मैं मार्कर ले रहा हूँ ब्लैक कलर का मार्कर, ओके अभी देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस कंपाउंड का, राइट? यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा ना, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आप जो मैंने कल डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन को याद करो, बोलो सोचो क्या है। The substances which help in oxidation. The substance which help in oxidation, वो आपका oxidizing agent होगा। तो आप बोलो, सोचो यहाँ पर, मुझे आपको आइडिया नहीं है, इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है ना, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा? No. यहां से Cl2 निकल के गए ना, तभी तो इसमें ऐड हुए Cl2, तो हेल्प कौन कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, समझे कि नहीं समझे? सब्सटेंस विच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, जैसे मैं हूं, एक आपका लेट से एक आपका रंजीत है, और प्लस साथ में कोई और कंपाउंड एक्स, ओके मैंने क्या किया, एक्स का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करने में हेल्प किया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाऊंगा ना, मैंने एक्स को हेल्प किया ऑक्सीडेशन में, खुद के लिए हेल्प नहीं किया, खुद का हेल्प करना मतलब क्या, हेल्प करना मतलब वो खुद कर रहा है ना अपना काम, तो थोड़ा थोड़ी ना उसको हेल्प बोलेंगे हम लोग,
मैंने दूसरों को हेल्प किया, समझे पॉइंट क्या है? उस तरीके से याद करो, अगर कल वाला पॉइंट आपको या लास्ट क्लास में आपका पॉइंट कन्फ्यूजन है तो उसको भूल जाओ, आप इसको याद कर लो कि पहले सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो पता कर लो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। सिंपल है, क्लियर है, याद रहेगा? यस सर। नाउ अभी मैंने बोला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा तो SnCl2 आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग आर ए से लिखते हैं, ओके। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग शॉर्ट में आर ए लिखते हैं और इसको हम लोग ओ ए लिखते हैं, ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अभी सब में आपको क्या क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड कर पाओगे। यहाँ पर बताओ इस रिएक्शन में जो आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, बोलो। The Cl is oxidizing agent and the Zn is the reducing agent. एक कंपाउंड नहीं होगा बेटा, जब भी एजेंट की बात करेंगे हम पूरा कंपाउंड की बात करेंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर नहीं बेटा, CuSO4 पूरा बोलोगे आप, समझे, क्लियर है? यस सर। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अभी आपके पास जो सीट दी है, सीट आई थिंक मैंने, हमने यहाँ पे अटैच किया था सीट, ये सीट हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। ये सीट सबके पास है ना, ये वाला सीट, ऑल ऑफ यू। इस सीट में देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर ही क्वेश्चन है आपको। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा जो आज पढ़ाया, वो भी आपका नेक्स्ट क्लास में आने वाला या नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला, ओके। यहाँ पर देख लो द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है वो आप पता कर लो। यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो ये आप पता कर लोगे। ये देखो यहाँ पर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा डिकम्पोजिशन हटा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप रिडॉक्स पता कर पाओगे, यस और नो? नाउ रिडॉक्स रिएक्शन के और कोई, आई थिंक अगर कभी एग्जाम में आपके फॉर्मूला आ जाए, लेट से मैंने लिख दिया MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसी Mg का निकालना है, तो आप निकाल पाओगे Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है बेटा, एल्कली अर्थ मेटल्स है, सोचना भी नहीं है, ये तो रूल में है, ओके, रूल में लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा NaOH का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आप निकालने बैठोगे क्या? नहीं, सोडियम का तो ऑलवेज +1 होता है, बताया ना मैंने, जीरो तब होगा जब सोडियम अकेला हो, सिर्फ अकेला सोडियम हो तब जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। मैं ये PDF सेंड करने वाला हूँ, ओके, आप लोगों को टेंशन मत लो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 24? नो, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोर कांसेप्ट, विल दैट कम और नॉट? क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। सो सी इज सेइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कांसेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कांसेप्ट नहीं आएगा। टेस्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, टेस्ट शेड्यूल का आपका टाइम टेबल होगा ना, आपका जो टेस्ट होने वाला है 6 जुलाई को,
उसमें आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही आने वाला, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी मत लिखो। ओके यस सर, टेंशन मत लो, अगर कुछ होगा चेंजेस तो मैं बता दूंगा आपको, पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 99% चांसेस है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके 1% चांसेस भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि मैं कोल्हापुर आ जाऊं तो हो सकता है कुछ चेंजेस कर दूं, बट नहीं होने वाला। ओके नेक्स्ट वीक मैं कोल्हापुर पहुंच जाऊंगा। ओके तो ये सीट आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं ये सीट अटैच कर दे रहा हूं आपके साथ में। ओके इस सीट को सॉल्व कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ आप लोग। ओके राइट यस सर। सो अगर कुछ और डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो, हम लोग डिस्कस करते हैं मैसेज। ओके चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। Thank you.